दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहे दोस्तों। तो जय माम बिबलीज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने रेसिपी बनाने के लिए देखिए मूंग दाल लिया है, तो ये हमारे छिलके वाली दाल रही दोस्तों। तो इसको हमने भिगो के ये देखिए साफ पानी से धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया है। देखिए अच्छी तरह से फूल भी गई है, तो इसी का हम नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सी जार लिया है, तो इसमें हमारा ये मिक्सी जार में दही लगा है। अब इसको हम इस तरह डालेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्ची काटेंगे। यहाँ पे हमने अदरक लिया, इसको हम छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ लिया, इनको हम डाल देंगे। इस तरह हम ढक्कन लगाएंगे, इनको हम पीस के तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने दाल का ये देखिए पीस लिया है, तो इस तरह हम बर्तन में पलट लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह फेंट लेंगे। इस तरह हम अच्छी तरह से इसको हम फेंटेंगे, ताकि इसकी जो पकौड़ी हम बनाएं तो फूली फूली बने। देखिए यहाँ पर हमने फ्राई पैन में तेल चढ़ा दिया है, तो चलिए अब इनको हम इस तरह पकौड़ी डालेंगे। यहाँ पर हमने अपने पकौड़े डाल दिए हैं, तो इनको हम इस तरह पलट देंगे। देखिए कितने फूले फूले बने हैं। यहाँ पे हमारे पकौड़े पक गए हैं, इनको हम देखिए इसी तरह हम सारे पकौड़े बना लेंगे, उसके बाद हम इनको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने पकौड़े पका लिया है, तो यहाँ पे हमने कटोरे में पानी लिया है, इनको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम पानी से इनको बाहर निकाल लेंगे। इनमें हम दही डालेंगे। चटनी यहाँ पे तीखी चटनी, थोड़ा सा जीरा, भुने हुए जीरे का पाउडर, हल्की सी तीखी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये नाश्ता बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप उसमें काला नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने पकौड़ी में नमक डाला है, तो इसमें हमने नमक नहीं डाला है, आप लोग डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।